5 मई शुक्रवार, चंद्र ग्रहण। सूतक कितने बजे लग जाएगा? ग्रहण भारत में कितने बजे दिखेगा? भारत में कहाँ कहाँ दिखेगा? चंद्र ग्रहण के दिन क्या करें और क्या ना करें? दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है बहुत ही सुंदर है। चंद्र ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलेगा। 5 मई दिन शुक्रवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण है। इस बार के चंद्र ग्रहण के दौरान कई वर्षों के बाद अद्भुत शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस बार के चंद्र ग्रहण के दिन कई सारे ग्रह एक साथ युति बनाकर चल रहे हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और साथ ही साथ राहु की युति बनी हुई है इस बार के चंद्र ग्रहण पर, जिसके कारण ये चंद्र ग्रहण काफी ज्यादा यानी प्रभावशाली चंद्र ग्रहण बनने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कई देशों में देखने को मिलेगा। इसका सूतक काल क्या होगा, साथ ही साथ इसके समय क्या होंगे, इसका जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा भारतीय समय के अनुसार, और चंद्र ग्रहण से पहले कितने बजे सूतक लग जाएगा, कितने बजे तक सूतक रहेगा, मान्य होगा या नहीं होगा भारत में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इसका प्रभाव भारत में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और साथ ही किस किस देश में ये सूतक काल लगेगा, इस वीडियो में जानते हैं। तो सूतक काल कितने बजे लग जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, ग्रहण से कितने बजे पहले लग जाता है, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी तक पहुंचाने की कोशिश भी जरूर करिएगा। दोस्तों, हम ग्रहण के समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रहण काल में ज्योतिषाचार्यों की अगर माने तो कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे करने से हमें वर्जित किए गए हैं, हमें करने से यानी बचना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, क्योंकि इसमें संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। तो आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने बजे लगेगा। तो भारत में ये जो पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ये साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण है। जी हाँ दोस्तों, 5 मई 2023 को दिन शुक्रवार को जो लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण, ये साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण है। इससे पहले सूर्य ग्रहण 15 दिन पहले यानी कि लगा है, और जो सूर्य ग्रहण चूंकि 15 दिन लगता है वो अमावस्या को लगता है वैशाख मास की, और ये जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है ये पूर्णमासी को लगेगा। तो दोस्तों, कई सारे अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं, आइए जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा और सूतक काल कितने बजे लग जाएगा। तो सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है चंद्र ग्रहण में। तो देखिए दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण होगा भारतीय समय के अनुसार 5 मई दिन शुक्रवार को रात्रि 8:45 से शुरू हो जाएगा और 5 मई को रात्रि 1 बजे तक रहेगा। लगभग 4 घंटे 15 मिनट इस चंद्र ग्रहण की अवधि रहेगी। सूतक काल ये 5 मई को दोपहर 11:45 से प्रारंभ होगा और जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा 5 मई को रात्रि 1 बजे, वैसे ही सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। तो सूतक काल में कोई भी किसी भी तरह के मांगलिक कार्य करने नहीं किए जाते, कोई भी शुभ कार्य करने नहीं किए जाते, मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। सूतक काल के समय भी कोई भी जैसे खाना पीना वगैरह भी आप ग्रहण के समय ना बनाएं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, किस किस देश में दिखाई देगा। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये जो दिखाई देगा साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण, ये एक उपछाया होगा। इस ग्रहण को हर जगह नहीं देखा जा सकेगा। इस चंद्र ग्रहण को हिंद महासागर, अटलांटिका, अंटार्कटिका, एशिया के कुछ हिस्सों में, दक्षिण और पश्चिम यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत महासागर में देखा जा सकता है। इसके अलावा भारत में इस चंद्र ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। हालांकि इसके जो सूतक काल है, नियम है, उसे जरूर मान्य करने पड़ेंगे। चंद्र ग्रहण के समय जो भी यानी कि नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं को जरूर मानने होते हैं,
और सभी को बड़े बूढ़े बच्चों को छोड़कर सूतक काल के नियम, क्योंकि इसके जो ग्रहण के जो नकारात्मक यानी कि ऊर्जा होती है वो हम तक पहुंचती है और हमें प्रभावित करती है, इसलिए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आइए जान लेते हैं ग्रहण के दिन क्या करें क्या ना करें। तो देखिए दोस्तों, 5 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस दिन जब सूतक लग जाए, चूंकि सूतक 5 मई को दोपहर 11:45 से लग जाएगा भारतीय समय के अनुसार, तो आपको तभी से यानी कि पूजा पाठ नहीं करना है, अपने मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं और आप अपने अगर खाना आपने बना लिया तो उसमें तुलसी दल जरूर डाल दें और पूजा पाठ ना करें, और ग्रहण के समय खाना ना बनाएं और खाना पकाएं ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, और घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे को छोड़कर रोगी को छोड़कर कोई भी भोजन ना करें, खासकर गर्भवती महिलाओं को भोजन नहीं करनी चाहिए और ना ही खाना बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चाकू सुई कैंची इत्यादि धारदार वाली वस्तुओं को छूना भी वर्जित माना गया है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों, कोई भी हों, पुरुष हों या फिर स्त्रियां हों, लड़ाई झगड़े से दूरी बनाए रखें, वाद विवाद ना करें और बाहर अपने खुली आंखों से ग्रहण को देखने की कोशिश भी ना करें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। ग्रहण के समय आपको अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें, ओम चंद्र देवाय नमः मंत्र का जाप करें। इन मंत्रों का जाप करने से ग्रहण के जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं और चंद्रदेव की पीड़ाओं में कमी आती है, क्योंकि राहु ग्रसित करता है उस समय चंद्रमा को, तो चंद्रदेव पीड़ित अवस्था में रहते हैं, तो जब मंत्र का जाप करते हैं तो उन्हें शांति मिलती है, इसलिए मंत्र जाप जरूर करें। और ग्रहण काल के दरमियान आप तुलसी पत्ता अपने पास जरूर रखें। स्त्रियां जो होती हैं, गर्भवती महिलाएं, वो लिक्विड का इस्तेमाल करें, लेकिन तुलसी का पत्ता पहले ही डाल लें और इसमें मंत्रों का जाप करते रहें, और फिर ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो आप अपने घर में पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। गंगा जल से छिड़काव करने के बाद पवित्र करें, साफ सफाई करें, नहा धोकर फिर यथा योग संभव दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, जितना संभव हो सके जो है आप दान जरूर करें। ग्रहण के दिन विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय ग्रहण लगा हो उस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें, मांगलिक कार्य ना करें, और साथ ही साथ बता दें कि पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि आप कोशिश करें कि घर से बाहर ही न निकलें, क्योंकि रात में चंद्र ग्रहण लगेगा और खाना पीना पहले ही खाकर आप यानी कि फ्री हो जाएं। तो ग्रहण के समय खाना आपको ना तो खाना है और ना ही बनाना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जिस जिस देश में दिखाई देगा इस ग्रहण का प्रभाव, वहां वहां इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस बार के ग्रहण में कई सारे अद्भुत शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसके कारण यह चंद्र ग्रहण काफी प्रभावशाली चंद्र ग्रहण रहने वाला है। दोस्तों, ग्रहण के दिन आपको विशेष करके, खास करके जैसे कि गर्भवती महिलाएं नुकीली चीजें बिल्कुल ना छुएं, धारदार वाली चीजें ना छुएं, और ग्रहण काल के दिन आप यानी कि विशेषकर गरीब निर्धन को जो होते हैं उन्हें दान जरूर करें, जितना संभव हो सके दान जरूर करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो ये थी दोस्तों साल 2023 का जो पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को पड़ने जा रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी। सूतक कितने बजे लग जाएगा, ग्रहण भारत में कितने बजे दिखेगा भारतीय समय के अनुसार, ये भी हमने आपको बताया, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, ग्रहण के दिन क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय चंद्रदेवाय।